बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं? आपको हम बता दें कि यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने की ख्वाहिश रख रहे थे, अब राहुल गांधी की जो छवि है उनसे कई गुना बढ़ चुकी है। आपको हम बता दें कि आम जनता जो है नीतीश कुमार की वजह वो राहुल गांधी को चुनने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी की चर्चाएं जो है जोरों पर है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि जो उनका भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, तो उनको दिख रहा है कि सीएम पद तो हमारा छूट ही रहा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो हम दावेदारी करने की कोशिश कर रहे थे वो भी छूटता दिख रहा है। इसलिए आम जनता के अंदर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार अपने पाला को पलटने के लिए कहीं फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल ना हो जाए। और इसमें आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार को यह दिख रहा होगा कि वो ना ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बचेंगे और ना ही विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के रहते हुए असंभव है कि नीतीश कुमार को कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, क्योंकि नीतीश कुमार उस पद पर अभी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक छवि बनाई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आम जनता के बीच राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन चीजों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये चिंता हो रही होगी कि ना ही हमारा बिहार बचेगा, ना ही हम विपक्ष का बड़ा चेहरा बन पाएंगे, तो इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर और एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि G20 के बैठक में जिस तरह से वो गए हैं उनके साथ कोई नहीं पहुंचा था, वो अकेले पहुंचे थे वहां पे और नरेंद्र मोदी से अच्छी उनकी घनिष्ठता दिखाई गई है। वीडियो में जिस तरह से वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जो दूरियां थी, जो दरार था एनडीए से, जो बीजेपी से नीतीश कुमार को जो दूरियां थी, जो दरारें थी एनडीए से या फिर कहे थे नरेंद्र मोदी से, वो कहीं ना कहीं भरती हुई दिख रही है। तो अब यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल होकर और अपनी जो बिहार की सीट है, बिहार के जो मुख्यमंत्री का सीट है उससे ही बरकरार रखेंगे, क्योंकि उनको यह एहसास हो चुका है कहीं ना कहीं कि विपक्ष उन्हें बड़ा चेहरा नहीं बनने देगा, वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी के रहते हुए। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पहले ही यह घोषणा किया था कि तेजस्वी यादव ही बिहार का नेतृत्व करेंगे, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं हमारे पास बिहार बचेगा, नहीं विपक्ष का हम बड़ा चेहरा बन पाएंगे। इन सब चीजों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।